हेलो गाइस, दिस इज जगदीश पाठक एंड यू आर वाचिंग केमिस्ट्री पाठशाला। जैसे कि बच्चों हम लास्ट क्लास में टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे थे, अब हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने ये बेटा, मैं आपको थोड़ा सा एक बार रिकॉल करा देता हूँ जो हमने पढ़ा था। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ी थी, ठीक है। मैंने आपको उसमें बताया था कि हमारे पास बेसिकली 4 से 5 टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है, जिसका हमने नाम दिया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एंड आपका रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स का मतलब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। फिर मैंने आपको एक और बताया था, मैंने कहा था एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस भी होती हैं, बट हम इसको ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी पढ़ते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी हम इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं इसको यहाँ आपको। वहां मैंने आपको 4 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन बताई, इन्हीं के बीच में आपको मैं एक चीज बताऊंगा। ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी 2 तरह की केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है। अब उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। देखो, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल रिएक्शन 2 तरह की होती है हमारे पास केमिकल रिएक्शन, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखो, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक, ठीक है, हम अभी देख रहे हैं एंडो आपका एक्सोथर्मिक। जो फर्स्ट है बेटा, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन या एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बेटा आपके पास कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है, आपके पास कंटेनर है, आपने रिएक्टेंट डाले, ठीक है, और वहां रिएक्शन प्रोसीड होगी, ठीक है, प्रोसीड हो रही है, और आपने देख रहे हो कुछ समय बाद रिएक्शन कंप्लीट हो रही है और साथ के साथ प्रोडक्ट भी फॉर्म हो रहा है। उस समय से बाद उस कंटेनर से हीट निकल रही है, उस कंटेनर से क्या निकल रही है, हीट निकल रही है, ठीक है। ऐसी कोई भी केमिकल रिएक्शन जब आपके पास केमिकल रिएक्शन में से एनर्जी रिलीज हो, हीट का मतलब क्या है, वो इन द वो के हीट क्या एक्चुअल एनर्जी की फॉर्म ही है, तो एनर्जी आपकी निकल रही है, रिलीज हो रही है केमिकल रिएक्शन से, ठीक है। तो इस तरह के केमिकल रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। देखो, द रिएक्शन इन व्हिच हीट इज रिलीज्ड, मैंने यहां साफ साफ बोला है हीट इज रिलीज होनी चाहिए अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट भी आपको बनना चाहिए, और साथ के साथ केमिकल रिएक्शन में आपकी हीट या एनर्जी की कोई भी फॉर्म वहां से निकलनी चाहिए। केमिकल रिएक्शन है, हीट ही निकलेगी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। इस तरह की आपकी कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी उसको हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक। बेटा आप साफ साफ देख रहे हो, आपने रिएक्टेंट डाला, फिर आपके पास प्रोडक्ट बना, आपने रिएक्टेंट डाला, प्रोडक्ट बना और हीट निकल गई, इसका मतलब यहाँ रिएक्टेंट साइड में हीट ज्यादा थी, रिएक्टेंट साइड में हीट ज्यादा थी, दैट्स मीन तभी तो हीट बाहर हुई, प्रोडक्ट भी बन गया, उसको कम हीट की नीड होगी, उस फॉर्म में वो बन गया, उसको कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, उतनी जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी उसको उतने में वो बन गया, और बाकी जो बची हुई हीट थी वो निकल गई, उसने हीट निकल दी, एनर्जी निकाल दी। इसका मतलब आप साफ साफ देख सकते हो कि यहाँ रिएक्टेंट साइड की एनर्जी ज्यादा थी, ठीक है। प्रोडक्ट बनने के बाद वो एनर्जी के रूप में निकल गई बाहर, एटमोस्फेयर में चलेगी, क्योंकि एनर्जी बराबर होनी चाहिए थी, ठीक है। बराबर का मतलब क्या है, इस ये रिएक्टेंट थे, इनके पास मान लो ए और बी आपस में रिएक्ट कर रहे थे, इसकी भी कुछ एनर्जी होगी, इसकी भी कुछ एनर्जी होगी, आपस में इन्होंने रिएक्ट करा और कंपाउंड सी बना दिया। जो सी बनाया उसको कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, वो कम एनर्जी में भी स्टेबल हो सकता है, तो क्या करेगा बाकी भाई जो हीट है इनके पास, जो एनर्जी थी रिएक्टेंट से, क्योंकि देखो जिस तरह से कन्वर्जेशन ऑफ मास होता है, कन्वर्जेशन ऑफ मास होता है, उसी तरह से आपकी आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी होता है, कि एनर्जी नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, जो आपने रिएक्टेंट में डाली थी वही आपके प्रोडक्ट में बनेगी। आप यहाँ देख रहे हो कि प्रोडक्ट को एनर्जी की नीड कम है, तो एटमोस्फेयर में रिलीज कर देगा वो एनर्जी को, ठीक है, हीट को, एनर्जी को, ठीक है, वो एटमोस्फेयर में रिलीज कर देगा। इस तरह की केमिकल रिएक्शंस को हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक। और यहाँ आपने देखा कि रिएक्टेंट की साइड एनर्जी ज्यादा है, तो यहाँ क्या है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ ER इज ग्रेटर देन द EPR। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल किस तरह से, आप कंबशन ऑफ मीथेन कर लो। कंबशन का मतलब क्या होता है बेटा, कंबशन का मतलब होता है कोई भी केमिकल रिएक्शन जब O2 की प्रेजेंस में, कोई भी केमिकल रिएक्शन जब O2 की प्रेजेंस में CO2 और वाटर दे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मीथेन जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होगा और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देगा, रिलीज करेगा, तो इस तरह की केमिकल रिएक्शन को हम कंबशन बोलते हैं। तो मैं मीथेन का कंबशन करने वाला हूँ। जो मीथेन का फॉर्मूला होता है वो बेटा CH4 होता है, गैसेस फॉर्म में है, ठीक है। जब भी ये O2 के साथ कंबशन हो रहा है, O2 के साथ, O2 आप एयर से ले सकते हो, ठीक है, इन प्रेजेंस आप एयर में बोल सकते हो, आप एयर में बर्न कर रहे हो उसको, तो क्या देगा, CO2 दे रहा है। CO2 एक गैस है, जो देखो ये एरो का मतलब मैंने बताया था, तब अपसाइड एरो होगा, दैट्स मीन ये गैस CO2 गैस एटमोस्फेयर में रिलीज हो रही है, ये तो रिलीज होगी CO2, साथ साथ वाटर भी फॉर्म हो रहा है, और देखो कंटेनर में ये केमिकल रिएक्शन में हीट भी रिलीज हो रही है। इसका मतलब यहां इनके पास एनर्जी ज्यादा थी, इनके पास एनर्जी ज्यादा थी, उसके बाद
क्योंकि एनर्जी का रेशियो बराबर होना चाहिए, इसने एनर्जी निकाल दी, इसके पास इसको रिक्वायरमेंट नहीं थी, इसको भी रिक्वायरमेंट नहीं थी एनर्जी, क्योंकि इसके पास एनर्जी ज्यादा थी, तो उन्होंने क्या करता है हीट की फॉर्म में इसको एटमॉस्फेयर में निकाल दिया। ठीक है, अब यहां देखो हीट निकली है, रिलीज हुई है, तो एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है। मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं ये एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है क्योंकि मुझे यहां प्रोडक्ट साइड में हीट दिखाई दे रही है। ठीक है, आगे चलते हैं, एक इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, मैक्सिमम 10 में से 6 से 7 बार आपके बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है, 10 बार बोर्ड हुए हैं तो 7 बार क्वेश्चन ये आएगा ही आएगा। व्हाई रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, पहले तो आपको रेस्पिरेशन पता होना चाहिए कि रेस्पिरेशन होता क्या है। इस प्रोसेस को मैं बताता हूं, हम ये बायो में आपने पढ़ा भी होगा पहले। ठीक है, आप कोई भी फूड ले रहे हो, इनटेक कर रहे हो, होता क्या है, आप वो डाइजेस्ट करते हो आपकी बॉडी। ठीक है, तो आपकी बॉडी इसको डाइजेस्ट करती है, आपने जो फूड लिया बड़ा मॉलिक्यूल्स था। ठीक है, बड़ा मॉलिक्यूल्स का मतलब नहीं आपके दांत ने आपने टीथ ने उसको छोटा तो कर दिया था, बट वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को तब आपने इनटेक कर खाया तो आपकी बॉडी क्या करती है, डाइजेशन की हेल्प से उसको सिंपलर मॉलिक्यूल्स में चेंज कर देती है, सिंपलर सब्सटेंस में चेंज कर देती है। देन वो सिंपलर सब्सटेंस, ठीक है, जैसे मैंने कार्बोहाइड्रेट खाया, आलू खाया, ठीक है, चावल लिए, पोटैटो लिया, ऑनियन लिया, ठीक है, राइस लिया, ये कोई भी चीज मैं खाता हूं, इसमें क्या होता है कार्बोहाइड्रेट्स है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स बड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला है कार्बोहाइड्रेट्स का। ठीक है, मेरी बॉडी ने इनटेक कर लिया तो मेरी बॉडी का जो मैकेनिज्म है डाइजेशन प्रोसेस में वो क्या होगा, सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, वो किसमें चेंज हो जाएगा, वो ग्लूकोज में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या है, आपने डाइजेशन के थ्रू आपने कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर सब्सटेंस में चेंज कर दिया, अब क्या होगा, अब होगा रेस्पिरेशन का सिस्टम। रेस्पिरेशन क्या कहता है, कोई भी सिंपलर सब्सटेंस जब O2 की प्रेजेंस में, O2 की प्रेजेंस में सब CO2 और वाटर और एनर्जी दे दे, क्योंकि आपने पहले उसको ब्रेक डाउन कर लिया ग्लूकोज में, ग्लूकोज क्या कर रहा है, आप सांस भी तो लेते हो, O2 भी तो आप इंटेक कर रहे हो बॉडी के अंदर, बार बार सांस ले रहे हो, आपने बॉडी से खाना खाया, खाना खा के हम रह सकते, ठीक है, लाइफ रहती है हमारी, तो हम सांस लेने की जरूरत नहीं पड़ती, साथ साथ दोनों चीज की रिक्वायरमेंट है। तो आपने बॉडी में ग्लूकोज तो बनाया फूड के जरिए, आप ऑक्सीजन भी ले रहे हो, तो केमिकल रिएक्शन होती है वहां। ठीक है, ग्लूकोज और O2 के साथ रिएक्ट करता है तो CO2 और वाटर बनाता है। बेटा मैं बैलेंस करके लिखी है मैंने सारी केमिकल रिएक्शन, 6 6 6, ये बैलेंसिंग में मैंने केमिकल रिएक्शन यूज करी थी। ठीक है, यहाँ CO2 बना रहा है, वाटर बना रहा है, और यहाँ एनर्जी मिलेगी, ये आपको एनर्जी मिलेगी। ठीक है, ग्लूकोज जो आपने खाया है आप डायरेक्टली भी ले लेते हो, कई बार आपने देखा होगा कि आप वीक हो रहे हो तो ग्लूकोज ले लेते हो डायरेक्ट। ठीक है, तो ग्लूकोज जब O2 के साथ रिएक्ट करता है तो CO2 देता है, वाटर देता है, वेरी इंपॉर्टेंट मान ले है एनर्जी, वो हमें बहुत लार्ज अमाउंट पे एनर्जी देता है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट एनर्जी पकड़ा देता है हमारी सेल्स को, लो हाई एनर्जी, वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP देता है। ठीक है, ATP एनर्जी वो कौन सी किस फॉर्म में देता है, ATP की फॉर्म में देता है, जिसको हम बोलते हैं एडेनोसाइन, ठीक है, ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं सिंपली। ठीक है, ये एनर्जी डायरेक्ट एनर्जी नहीं होती, इन द फॉर्म ऑफ ATP होता है, ATP की फॉर्म है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स हमारे पास जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा हमारे पास एनर्जी होगी, और इस कंप्लीट प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। आप देख रहे हो रेस्पिरेशन में हो क्या रहा है, एनर्जी हमें मिल रही है, इस केमिकल प्रोसेस में हो क्या रहा है, हमें एनर्जी मिल रही है ना भाई प्रोडक्ट साइड में। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि रिएक्शन तब हो रही है तो रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा थी और प्रोडक्ट ने क्या करा, तब प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है तो एनर्जी रिलीज कर रहा है, क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है ऑन द फॉर्म ऑफ ATP, रिलीज कर एनर्जी, मैंने देख लिया भाई केमिकल रिएक्शन हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है एक्सोथर्मिक, सीधा सीधा मैंने केमिकल रिएक्शंस को देखते ही बोल दिया कि भाई एक्सोथर्मिक है। और ये क्वेश्चन आता है तो बेटा आपको केमिकल रिएक्शन यूज करनी है। ठीक है, मैंने यहां सिंपल फॉर्म में लिखा था कि ड्यूरिंग डाइजेशन फूड ब्रेक डाउन टू सिंपलर सब्सटेंस देन लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, ग्लूकोज में चेंज होगा और ग्लूकोज जब O2 के साथ रिएक्शन करेगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा तो एक्सोथर्मिक। ठीक है, और इस कंप्लीट प्रोसेस को आप बोलते हो रेस्पिरेशन। ठीक है, और एनर्जी किसकी फॉर्म में होती है, ATP की फॉर्म में होती है, और आपको इसी तरह से आंसर करना है, केमिकल रिएक्शन जरूर यूज करना। इन केस ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन आता है और केमिकल रिएक्शन यूज नहीं करते, आपने एक्सप्लेन कर दिया एग्जाम में और आपने केमिकल रिएक्शन नहीं यूज करी, तो आपके मार्क्स हाफ हो जाएंगे, आपके 1.5 नंबर आएंगे, 1.5 नंबर आएगा आपका, 1.5 नंबर कट जाएगा, क्योंकि केमिकल रिएक्शन या आपकी केमिकल रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री में आप कोई भी आंसर कर रहे हो, आपकी केमिकल रिएक्शन आपको पता है और होती है, तो प्लीज उसको मेंशन करो। ठीक है, आइए एंडोथर्मिक रिएक्शंस को देखते हैं कि ये क्या होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन बेटा इसका नाम से ही आपको समझ आ रहा है, एंडो का मतलब एब्जॉर्ब, ठीक है, एंडो एब्जॉर्ब सिंपल। यहाँ आपके केमिकल रिएक्शन में
इसको रिएक्टेंट को एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी तभी वो प्रोडक्ट देगा। इन केस रिएक्टेंट एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करता सराउंडिंग से, या आप उसको हीट नहीं करते या सनलाइट की प्रेजेंस में नहीं करते देते उसको, ठीक है, एनर्जी देनी आपको कैसे, तो डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो तभी वो प्रोडक्ट देगा, अदरवाइज वो प्रोडक्ट नहीं देगा। ठीक है, इसका मतलब देखो क्या है, द रिएक्शन इन विच द एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द रिएक्टेंट टू कंप्लीट द रिएक्शन। सिंपली मैंने जो बोला वही है आपके पास, यहाँ कोई भी केमिकल रिएक्शन को आपको कंप्लीट करानी है तो आपको रिएक्टेंट को एनर्जी दे रहे हो तो आप सीधा सीधा बोल सकते हो ये क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या था, केमिकल रिएक्शन हो रही है और प्रोडक्ट के साथ एनर्जी निकल रही है बाहर, बाहर निकल रही है एनर्जी, ठीक है, ये प्रोडक्ट क्या कर रहा है, हीट अप हो रहा है, ठीक है, एनर्जी किसी ना किसी फॉर्म में प्रोडक्ट साइड आ रही है। बट इस केस में क्या, एंडोथर्मिक में क्या है, ये कह रहा है कि भाई रिएक्शन तभी होगी, मुझे एनर्जी दो, रिएक्टेंट कह रहा है भाई एनर्जी दो तभी मैं रिएक्शन करूंगा, अदरवाइज मैं कोई रिएक्शन नहीं करने वाला, ठीक है। उसके केस में ऐसा नहीं था, उसने बोला था मैं रिएक्शन कर रहा हूं, मैं एक्स्ट्रा भी एनर्जी निकालूंगा, ठीक है, तो इसके केस में एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा केमिकल रिएक्शन, देन आपको प्रोडक्ट देगा। दैट्स व्हाई आपको समझ आ रहा होगा इसका मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, भाई वो कह रहा है कि रिएक्टेंट ए है और बी है, इसकी कुछ एनर्जी है इसकी कुछ एनर्जी मिक्स हो रहे, ठीक है, प्रोडक्ट जो फॉर्म होना है ना तगड़ा प्रोडक्ट है उसकी एनर्जी हाई है, वो कह रहा है भाई तुम्हारी एनर्जी कम है, इसको बढ़ाओ, बड़ी बनाओ और ज्यादा करो, ठीक है, तभी मैं बनूंगा, अदरवाइज मैं ऐसे कम एनर्जी में नहीं बनूंगा। तो क्या कहते हैं, सराउंडिंग से बाहर से डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड से एनर्जी गेन करते हैं, ठीक है, मैं हीट कर दूं मान लो उसको, ठीक है, मैं हीट कर रहा हूं तो हीट क्या है, एनर्जी के फॉर्म में दे रहा हूं, उस रिएक्टेंट को मैं एनर्जी और दे रहा हूं, तब वो जाके कंबाइन होकर प्रोडक्ट बनेंगे। इसके मतलब यहां रिएक्टेंट की एनर्जी कम थी, ठीक है, और प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, तो यहाँ एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट क्या है, लेस है, तो फिर आपने सराउंडिंग से उसको एनर्जी दी या डायरेक्टली इनडायरेक्टली, फिर एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट जो आपके पास प्रोडक्ट था उसकी एनर्जी हाई है इसका मतलब, ठीक है। ये सिंपली एक्सोथर्मिक का एकदम उल्टा है, एंडोथर्मिक उसमें आपकी केमिकल रिएक्शन में आउटसाइड प्रोडक्ट के साइड एनर्जी निकल रही थी, बट यहाँ रिएक्टेंट साइड को आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, देन आपको प्रोडक्ट बनेगा। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, इनके एग्जाम्पल बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक एग्जांपल है सिल्वर ब्रोमाइड का, AgBr है, सॉलिड फॉर्म में है, जब आप इसको सनलाइट की प्रेजेंस में रखोगे, आपने इसको अंधेरे कमरे में रख दिया, प्रोडक्ट नहीं देगा भाई, प्रोडक्ट नहीं आने वाले, आपको सनलाइट देनी ही पड़ेगी, सनलाइट दो या कोई भी हीट दो, हीट क्यों नहीं कह रहा मैं, हीट दे दो तो जल जाएगा, इतनी भी एनर्जी नहीं चाहिए, कह रहा थोड़ी सी एनर्जी चाहिए भाई, ठीक है, सनलाइट लेगा ये, सनलाइट की प्रेजेंस में ये क्या करेगा, केमिकल रिएक्शन के करेगा, अपने आप को ब्रेक डाउन कर लेगा, ठीक है, प्रोडक्ट दे देगा Ag और Br2, ठीक है, मैंने बैलेंस करके यहाँ 2-2 लिखा है, इसका मतलब ये है ये अमाउंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये मैंने बताया था आपको कंजर्वेशन ऑफ मास में, ठीक है, यहाँ इसको सनलाइट की नीड पड़ी, इसका मतलब से एनर्जी एब्जॉर्ब करी होगी इस कंपाउंड ने, इस रिएक्टेंट ने एनर्जी एब्जॉर्ब करी तभी प्रोडक्ट दिया है, ये है आपका एंडोथर्मिक, ठीक है। और जो सिल्वर होता है बेटा, इसका कलर क्या होता है, ग्रे कलर, आपका ग्रे कलर का होता है। इस केमिकल रिएक्शन के बारे में जो आपको काफी कुछ बताना है ये मैं आपको डिकम्पोजिशन के अंदर बताऊंगा, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन सेकंड वाली पढ़ाऊंगा, अभी मैंने फर्स्ट वाली आपको पढ़ाई थी कॉम्बिनेशन, उसके बाद मुझे आपको डिकम्पोजिशन पढ़ानी थी, बट मैं डिकम्पोजिशन से पहले आपको क्या पढ़ाया था, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के ही अंदर ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, या बोल सकते हो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी के बिहाफ पे एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक के, एक बार आपको बेसिक जानकारी दे दी कि भाई होते क्या है। अब मैं इसके बाद टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन मैं सेकेंड पॉइंट पढ़ाऊंगा, कॉम्बिनेशन खत्म करा दिया, डिकम्पोजिशन पढ़ाऊंगा, ठीक है, फिर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, ठीक है। उसी तरह से देखो फोटोसिंथेसिस में भी आपको सनलाइट की नीड होती है, ठीक है, क्लोरोफिल तभी आपके पास ग्लूकोज बनाता है, एनर्जी तभी बना पाता है, तब उसको सनलाइट अंधेरे में नहीं बनाता। आपका जो ग्रीन लीफ होती है, जहां आपने देखा होगा फोटोसिंथेसिस होता क्या है, सिंपल एक कोई ग्रीन लीफ होता है वो फूड मेकिंग कर रहा है अपना, ठीक है, इसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, तो उसका मतलब जो क्लोरोफिल है उसको भी हीट की या एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तभी वो प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से आप वाटर को तब ब्रेक डाउन करते हो तो आप उसको इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर कहते हो। इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से वाटर देन केमिकल रिएक्शन करता है और ब्रेक डाउन होता है H2+O2- में, ठीक है, O2 में, ठीक है, ये बताऊंगा, ये भी डिकम्पोजिशन में बतानी है, ये भी डिकम्पोजिशन में बतानी है, ठीक है, इसके लिए तैयार हो, बट मैंने आपको एग्जांपल यहाँ टच करवा दिए हैं। और जो मैं केमिकल रिएक्शन बेटा यूज कर रहा हूँ और मैं लिख रहा हूँ बेटा, इसको कंठस्थ कर लो, कंठस्थ का मतलब याद कर लो अच्छे से, ये एग्जाम में कन्फर्म आएगी किसी ना किसी फॉर्म में, X2Y, Y2Z इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत बनने लगे, CBSE क्वेश्चन बनाने लग गए हैं, और आप NTSC ओलंपियाड एग्जाम दे रहे हो तो ये क्वेश्चन हमेशा जेन्युइन क्वेश्चन है, ये आएंगे ही आएंगे, ठीक है। और बेटा वीडियो आपको अच्छे लगी, लगता है कि हाँ सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, कंटेंट अच्छा है, ठीक है, और सारा समझ आ रहा है, तो प्लीज बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी जुड़े चैनल के साथ।
ठीक है। और जैसे जैसे आपकी कोई अपडेट आती है सीबीएसई की तरफ से, आपके स्कूल कब खुलते हैं, आप क्या स्ट्रीम लेते हो, ठीक है, उसके हिसाब से भी हम बात करेंगे। जैसे अभी 12th के नोटिफिकेशन के हिसाब से 12th के बोर्ड कैंसिल हो गए, इस छोटी छोटी नोटिफिकेशन में मैं आपको देते रहूंगा, ठीक है। और आपका सिलेबस किस तरह से चेंज हो रहा है डे टू डे, ठीक है, किस तरह के क्वेश्चन आपके अब ज्यादा आएंगे, जैसे अब एमसीक्यू आपकी 60% आएगा, आपका थ्योरी का पार्ट 40% आएगा, तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट की जड़ पता होनी चाहिए, क्योंकि जो एमसीक्यू वाला पार्ट होता है उसमें आपको क्या होता है, 0 और 1 होता है, सही होगा या गलत होगा। थ्योरी का होता है, सब्जेक्टिव होता है, लिख दिया यार टीचर 2 में से तो यार आधा नंबर तो दे देगा, 3 में से 1 नंबर तो देगा, हम ये सोचते हैं। बट एमसीक्यू तब टाइप के क्वेश्चन आने लग जाते हैं, तो उसमें क्या होगा, टीचर तुमने सही ऑप्शन पे टिक करा है तो टीचर सही देगा 1 पूरे नंबर, अदरवाइज कट कर देगा। तो नेगेटिव पॉइंट भी है उसके, उसके एमसीक्यू का मतलब आपको डीप स्टडी चाहिए, ठीक है। सब्जेक्टिव में आपको, आप ऊपर से पढ़ सकते हो, रातों रात पढ़ के 70+ ला सकते हो, बट एमसीक्यू में ऐसा नहीं होगा, आपको डीप नॉलेज चाहिए। तो बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और शेयर करिए और थोड़ा सा सपोर्ट करिए, ठीक है। अब तक के लिए बच्चों बाय।